नमस्कार किशन भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं एक विशेष स्टार्टर में ये ऑटो स्विच कनेक्शन करके दिखाने वाला हूं और आप लोगों को सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, बहुत ही छोटा वीडियो है, पूरा वीडियो को जरूर देखिए, आपको पूरा काम सीखने को मिल जाएगा। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ये एक विशेष स्टार्टर है, ये थ्री फेज स्टार्टर है जो हमारा समरसेबल मोटर जो खेत में रहता है उसको चालू करने के लिए यूज होता है। तो दोस्तों, ये ऑटो स्विच आप देख सकते हैं, ये एक 7 वायर वाला ऑटो स्विच है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 वायर है, पहले रेड, येलो, ब्लू जो 3 फेज का है, और 2 ग्रीन है और 2 ब्लैक है। थोड़ा मैं आपको ऑटो स्विच के ऊपर बता देता हूँ। ये एक प्रीमा कंपनी का ऑटो स्विच है और ये जो देख सकते हैं यहाँ पे 4 LED दिख रहा है। यहाँ पे देख सकते हो, ये हेल्थी, ऑन, फॉल्टी और डिले। दोस्तों, पहले जब ऑटो स्विच चालू हो जाता है तब क्या होता है, आपका ये जो हेल्थी और ये जो डिले, ये 2 लाइट जलता है। बाद में जब उसका टाइमिंग ख़त्म हो जाता है 1 मिनट या 45 सेकेंड, तब ये ऑन, ये वाला ग्रीन वाला लाइट जलता है, ऑन हो जाता है, ये डिले बंद होके ऑन हो जाता है। तो अगर आपका ये फॉल्टी LED जलेगा जब आपका एक फेज आपका फॉल्ट हो जाता है 3 फेज में से, तो आपका ऑटो स्विच भी काम नहीं करता है। तो ये भी पहले ध्यान दीजिए, नहीं तो आप का जो ऑटो स्विच है सही रहता है लेकिन आपको लगता है कि ऑटो स्विच खराब हो गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। ये जो 3 वायर है यहाँ पे देख सकते हो ऑटो स्विच का, रेड, येलो और ब्लू, यहाँ पे देख सकते हो 3 वायर है। इसको आपको, ये जो स्टार्टर है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हो, ये ऊपर साइड है, ये रिले है, ठीक है, ये कॉन्टैक्टर है, ये बेस पूरा। तो यहाँ पे 4 टर्मिनल है, यहाँ पे देख सकते हो 1, 2, 3, 4। तो पहले वाला को छोड़ देना है जो स्टार्ट स्विच में पहले रहता है, यहाँ पे देख सकते हो, ये इसको छोड़ देना है, ये कंट्रोल के लिए है। बाकी ये जो देख सकते हो 1, 2, 3, इसमें आपको रेड, येलो, ब्लू लगा देना है। तो मैं लगा के आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहीं पे इनपुट भी आता है दोस्तों, रेड, येलो, ब्लू जो वायर है हमारा, तीनों फेज यहाँ पे इनपुट होता है। तो उसके साथ आपको लगा देना है। और अच्छे से टाइट भी करना है दोस्तों, क्योंकि थोड़ा भी लूज नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपका जो कॉन्टैक्टर है दोस्तों जल्दी जल जाएगा, इस कनेक्शन के पास जल्दी ख़राब हो जाता है। हमेशा ये वाला जो कनेक्शन कभी भी आप करते हैं वायर का या ऑटो स्विच का, तो आप अच्छे से टाइट कीजिए। देख सकते हो दोस्तों, तीनों फेज को पहले लगा देना है यहाँ पे। यहाँ पे देख लीजिए, पहले वाला को छोड़ देना है, ये साइड से जो स्विच है यहाँ पे, जो पुश बटन रहता है स्विच से, ये पहला छोड़ देना है। फिर रेड, येलो, ब्लू को आपको कनेक्शन कर देना है यहाँ पे 3 टर्मिनल पे, ठीक है। फिर आपका आता है ये वाला ग्रीन, देख सकते हो, तो फिर आता है ये ग्रीन वाला, देख सकते हो 2 वायर ग्रीन को लगाना है। यहाँ पे लिखा है, मैं वो भी दिखा देता हूँ, इन सीरीज विथ 9 वोल्ट कॉयल, ठीक है। यहाँ पे सप्लाई लिखा है R1, R2, R3, यहाँ पे देख सकते हो, सभी ऑटो में ऐसा ही लिखा रहता है दोस्तों। R1, R2, R3 मतलब रेड, येलो, ब्लू तीनों फेज है, और जो सेकेंड वाला है इन सीरीज विथ 9 वोल्ट कॉयल N और V, ये दोनों NV को जाएगा, और ये दो लास्ट वाला है एक्रॉस ऑन पुश बॉटम, ये पुश बॉटम को जाता है, दो लास्ट वाला ब्लैक वाला S1 और S2। तो ठीक है, अभी बीच वाला का काम करेंगे, N और V जो कि सीरीज कोयल, जो हमारा कोयल है उसको लगेगा। जो कोयल है दोस्तों इसके नीचे रहता है, ये वाला नीचे देख सकते हो, सप्लाई के नीचे 2 पॉइंट है, ये हमारा स्टार्टर को चालू करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे लगाना है, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, ये वाला जो ग्रीन है 2 वायर को, ये वाला जो मैंने पहला वाला यहाँ पे पॉइंट बोला था यहीं पे लगा देना है। और दूसरे को उसके ऑपोजिट में लगा देना है। किसी वायर को आपको निकालना नहीं है, जैसा है सेम वैसा ही लगा देना है, जो उसका कंट्रोल वायरिंग है उसको रखना है, कुछ भी नहीं ओपन करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 2 ग्रीन वायर लगा दिया है ऐसे, जो कंट्रोल का पॉइंट था स्टार्टर का, जो ये बेस देख सकते हो कॉन्टैक्टर में, पहला वाला पॉइंट में ये साइड में एक, और ये साइड में एक ग्रीन वायर लगा देना है। यहाँ पे देख सकते हो अभी हो गया, अभी हमारा बचा है ये 2, देख सकते हो,
ये S1 S2 का एक्रॉस जो पुश बटन है वहाँ पे जाता है दोस्तों। ये क्यों लिखा है दोस्तों, जो पैनल बोर्ड रहता है उसका कनेक्शन के लिए ये लिखा हुआ है, लेकिन इस स्टार्टर में आपको मैं बता देता हूँ कैसे लगाना है। ये एक वायर को दोस्तों यहाँ पे जो ब्लू में ये वाला फेज एक घूम के जाता है आपका ये कॉयल को, इसको तो इस वजह से ये वाला जो वायर में निकाला यहाँ पे देख सकते हो, ये जो एक ब्लू फेज से जाता था ये रिले तक और रिले से होके जाता था यहाँ तक, ये इसको कंटिन्यू चालू रखने के लिए दोस्तों। तो रिले से ये जो 9 वोल्ट कॉयल है उसको चालू रखता था दोस्तों। ये भी आप समझ लीजिए थोड़ा क्यों ये जो वायर है मैं हटाया। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, ये वायर को आप निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें आप रखिए क्योंकि कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगा, कभी ऑटो ख़राब हो जाता है तो आपको मैनुअल चलाने के लिए आपको ये वायर का ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे क्या कर लेना है, एक जो ब्लैक वाला वायर है यहाँ पे जो S1 S2 यहाँ पे लिखा है जो ब्लैक वाला वायर है, एक ब्लैक वाला वायर को यहाँ पे जोड़ देना है और इसको अच्छे तरह से सेलो टेप लगा देना है। यहाँ पे देख सकते हो जो रिले को जाता है, यहाँ से एक फेज रिले को जाता है, यहाँ पे देख सकते हो ये रिले है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ तक जाता है। तो यहाँ पे एक जोड़ देना है देख सकते हो, और एक यहाँ पे जो ब्लैक वाला वायर है जहाँ से हम लोग निकाले थे जो ब्लू फेज के साथ था, क्योंकि यहाँ पे ये जो फेज है दोस्तों एक यहाँ पे इनपुट होके इससे ही दोस्तों आपका जो ये 9 वोल्ट कॉयल है चालू होगा। इतना ही काम है ऑटो स्विच का, क्योंकि ये जो कॉयल है दोस्तों इस कॉयल को चालू और बंद करना है, ये ऑटो स्विच का काम है, बाकी इस पर लोड कुछ भी नहीं रहता है। तो इसका जो काम है दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कोई इसी का डिटेल्स आपको नहीं बताता है, मैं आप लोगों को डिटेल्स बता देता हूँ अभी। जो ऑटो स्विच का काम है, ये वाला जो कॉन्टैक्टर है इसका जो कॉयल है, ये कॉयल को चालू करना और बंद करना होता है, ये ऑटो स्विच का काम। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जो कॉयल है उससे मैग्नेट होके जो हमारा स्टार्टर है वो जो यहाँ पे जो पट्टियाँ रहता है इसको ऐसा खींच लेता है पीछे, ठीक है। तो उस वजह से जो कॉन्टैक्टर है हमारा चालू हो जाता है और मोटर हमारा चालू हो जाता है दोस्तों। तो ये वाला SI कनेक्शन रहता है यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे अभी ऐसा कनेक्शन होने के बाद आप सप्लाई दे दीजिए, आपका जो ऑटो स्विच है ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर चालू नहीं होता है यहाँ पे फॉल्टी करके ये रेड वाला लाइट जलता है, यहाँ पे जो ऑटो स्विच है ये वाला फॉल्टी आता है और यहाँ पे हेल्दी नहीं चलता है। तो फॉल्टी आने के बाद आपको एक ही काम करना है, ये वाला जो रेड और ब्लू वायर है आपको इंटरनल चेंज कर देना है, ब्लू को निकाल देना है रेड के जगह पे लगा देना है, और रेड को निकाल देना है ब्लू के जगह पे लगा देना है, बस उतना काम कर दीजिए, आपका जो मोटर है चालू हो जाएगा और ये जो ऑटो भी है ऑटो चालू हो जाएगा आपका, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं रहता है दोस्तों। और यहाँ पे स्विच आप लोगों को मैं पहले दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो ये बीच में रहेगा तो बंद है, ऊपर प्रेस करेंगे तो ऑटो है, और बीच में करेंगे बंद, फिर नीचे करेंगे तो आपका बाईपास है, ठीक है। ये बाईपास मतलब वो मैनुअली चलेगा दोस्तों। तो इस तरह का आप कनेक्शन देख सकते हो, ये एक टाइप कनेक्शन है, इसका और एक दूसरा टाइप भी कनेक्शन है, उसको मैं दूसरा वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा। तो इस वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिए, कुछ भी डाउट है तो मुझे आप ज़रूर कमेंट कीजिए। इसका प्रैक्टिकल वीडियो भी है मेरे चैनल पे, एक वीडियो जाके आप देख सकते हैं, वो इतना डिटेल्स में नहीं था, इस वजह से मैं ये दूसरा वीडियो बनाया, क्योंकि आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आ। वीडियो को आप ज़रूर एक लाइक कीजिए, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं और एक न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, धन्यवाद।